मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है जी। बेशक मैंने भी सुना है कि कोई लोकल पेपर है, उसमें तो यही आया था कि उन्होंने वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो गॉड नोज बेटर। तो देखिए, ये 18,000 ऊपर जो अभी यात्री या टूरिस्ट है, ये 18,000 ऊपर जा रहे हैं दर्शन के लिए। इससे पहले हम ये क्लियरफाई करना चाहते हैं आपके माध्यम से, जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा था तो लोकल में, तो सबसे पहले ये तो शंकराचार्य मंदिर उनको माथा टेकना है, तो हम उनको वेलकम करते हैं कि वो वहाँ यहाँ पे आते हैं। जब वो ऊपर जाते थे उनको दर्शन नहीं हो रहा था। हमारा फीडबैक यही आ रहा था डे बाई डे के ऊपर जाम लगा होता है, वैसी यही हालत वैसी वहाँ पे है, या बॉटनिकल गार्डन तो चश्माशाही या परी महल। तो गवर्नमेंट ने इससे एक साल पहले तो एक इनिशिएटिव उठाया था, उन्होंने यहाँ पे 2-4 दिन ट्रायल चलाई थी, तो उसमें काफ़ी रोल रहा सीआरपीएफ का जो कमांडर साहब है उसका, 61 बटालियन का। तो उन्होंने भी ये इनिशिएटिव उठाया कि गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि पिछले हाल ही में ड्यूकॉम साहब ने एक ऑर्डर निकाला, रिव्यू मीटिंग भी ली इससे, तो जिसमें एसपी ट्रैफिक साहब और एआरटीओ हेडक्वार्टर ऑडियो साहब और जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के जो इनके साथ रिलेटेड है वो तो सब वहाँ पे थे। जब हमें कॉल आई कि ऐसा हमें शटल सर्विस चलानी है, तो हम भी वहाँ पे गए हैं, जब हमने उनसे पूछा है कि आप भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टर और टेम्पोटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हो, मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे शटल सर्विस हमें चलानी, आप हमें गाड़ियाँ मुयसर करो। हमने बोला कोई बात नहीं सर, हम तो कर लेंगे। जब हमने ये ट्रायल चलाई यहाँ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा। जो यात्री है वहाँ पे वो भी आए थे, या तो लोकल थे वहाँ पे वो भी आए थे, या तो वहाँ पे जो सीआरपीएफ के कमांडर साहब है। बीच में एक एनवायरमेंट डे भी आया था वो, जिसमें हमने भी उनको पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा ये कि हमें अभी तक फीडबैक जो भी आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे यात्री या टूरिस्ट आ रहे हैं सभी अच्छी तरीके से दर्शन कर रहे हैं, जो हमारी सर्विस चल रही है ननकुन पार्क से और शंकराचार्य टेम्पल तक। इसमें ऐड उन्होंने किया हाजी पीर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो स्वराज मजदा है, उनको भी उन्होंने ऐड किया इसमें। तो दूसरी बात, जो हमारी वहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में एक और सर्विस उन्होंने फिर चलाई वहाँ पे शटल सर्विस, जैसे कि चश्माशाही और परी महल, वो सिंगल रोड है, ये भी सिंगल रोड है, लेकिन वो भी ट्रायल इनको सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल रहने के बाद इन्होंने एक ऑर्डर निकाला 11/6/2024 को, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कौन सी कंपनी वहाँ गाड़ी चला सकते हैं। वो हमारे पास ऑर्डर भी है, आपके पास भी, हम आपको भी देंगे वो ऑर्डर। तो हमारे वहाँ पे 15 गाड़ियों को इजाज़त है, वहाँ पे भी 15 गाड़ियों को इजाज़त है, हाजी पीर को 5-6 गाड़ियों का इजाज़त है वहाँ पे चलने के लिए। तो यही फीडबैक आ रहा है कि डे बाई डे कि आपकी सर्विस बिल्कुल अच्छी और कामयाब है। इसमें से हमने जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, काफ़ी बैग मोबाइल कैश जो हमने वीडियो इनको उठा के वापस जो उनको दिया है वो आपके सामने भी दिया, आपको पता है वो हमने शेयर भी किए वो वीडियो। तो यही हम मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि जो डे बाई डे इन्होंने शटल सर्विस चलाई यहाँ पे, तो वो सक्सेसफुल रहा। अब रहा सवाल, कोई परसों 26 को डेली एक्सेसर में कोई आया था कि ऐसा उन्होंने कुछ वहां पे कुछ पंगा हुआ था। देखिए 18,000 ये यात्री ऊपर जा रहे हैं, अब हमें पता नहीं ना इसमें कौन वीआईपी है कौन नहीं, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, जो वीआईपी है उनको पहले आप चेक कीजिए आई कार्ड, फिर उनको एलो कीजिए ऊपर। तो हमने वहां पे वॉलंटरी 4 अपने बंदे रखे हैं, 4 यहाँ पे 3 वहाँ पे, 7 बंदे हमने रखे हैं, उनको उनके पास बाजाबता वर्दी लगा के जैकेट लगा के वो हमारे वॉलंटियर हैं वहाँ पे। वो क्या कर रहे हैं कि हमारे पहले सबसे पहले देखना है रोड, ये वीआईपी रोड है, रोड जैमिंग नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने वॉलंटियर वहाँ पे रखे। जब भी हमारी गाड़ी शंकराचार्य जहाँ पे वो नाका लगा हुआ है वहाँ पे हमारी गाड़ी जो आ रही है, हम वहाँ पे हमारे वॉलंटियर जो वो बैरियर
वहां से हटा के उन गाड़ियों को टर्न करके वापस भेजते हैं नुनकुन पार्क में, या नुनकुन पार्क से जब आते हैं गाड़ी वो ऊपर चले जाते हैं। वैसे ही हमने वहां पे भी चश्माशाही में भी रखा है, बॉटनिकल गार्डन में भी रखा है, वैसे ही वहां पे वॉलंटियर। और हम सर्विस सुबह 7 बजे से दे रहे हैं शाम के 7:30 बजे तक। हम वहां अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं मंदिर में, अभी यहां कोई रहा या नहीं रहा। जब हमें वहां तक अभी फीडबैक नहीं आ रहा था तब तक हम अपनी गाड़ी वहां से वापस नहीं भेज रहे अपने स्टैंड में। तो जिन हजरात ने ये अभी एक्सेस शेयर में ये किया था कुछ ऐसा, मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उनका कुछ इशू था उनको हमारी जो एसोसिएशन है उनके साथ रब्ता करना था, जो भी इशू है वो हम आपस में सॉर्ट आउट कर ले रहे। लेकिन उनको ये पेपर में आने की कोई जरूरत नहीं, हमने खुद सर्विस नहीं लगाई है, ये बाजार था इसमें गवर्नमेंट आर्ट। हम शुक्र गुजार है कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जो राजेंद्र सिंह तारा जी है और आरटीओ साहब से भी, और सबसे वो एसपी साहब भी है इसमें AIT हेडक्वार्टर फ्लाइंग स्क्वाड, उसका भी हम शुक्रिया अदा करने जिन्होंने इनिशिएटिव उठाया और उनको उनकी निगरानी जो भी हमने किया कदम उठाया उनकी निगरानी। मेरी मैसेज यही रहेगी चाहे वो कोई लोकल बंदा यहाँ का हो चाहे कोई गवर्नमेंट का हो, ऐसे इंसिडेंट देखो ये पब्लिक डीलिंग है। 18,000 नॉट ए जोक, ऊपर लेना वापस लाना उसमें कौन VIP है कौन लोकल है ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं। तो उनसे मेरी यही मोतबाना गुजारिश रहेगी ऐसा कोई अगर हो पहले हमारे जो दफ्तर है या हमारे नंबर लगा हुआ है डिस्प्ले वहाँ पे भी यहाँ पे भी, पहले उनसे उन नंबरों पे रब्ता कीजिए, फिर आपको जो उसमें जो आ जाएगा वो तो हम बाद में हम आप उनसे शेयर करेंगे।